आज हम क्लास टू में सब्जेक्ट एसएसटी और चैप्टर लेसन टू। तो ये जो है सबसे पहले लेसन टू में एसएसटी में जो चैप्टर का नाम है क्या है, फैमिली के बारे में जानकारी लेना है। तो फैमिली के बारे में सबसे पहले देखेंगे कि ऑल अबाउट फैमिली। तो ऑल अबाउट फैमिली, इसके बारे में सबसे पहले हम लोग परिवार किसे कहते हैं, इसे सीधे तौर पे जानकारी लेंगे। तो फैमिली मीन्स परिवार होता है। ऑल अबाउट मीन्स इसके बारे में कि परिवार के बारे में कौन है, क्या है, नहीं है। तो फैमिली मीन्स परिवार, पेरेंट्स एंड देयर चिल्ड्रन टुगेदर मेक ए फैमिली। तो परिवार हम किसे कहेंगे, माता पिता और उनके बच्चे एक साथ परिवार में रहते हैं तो उसे हम क्या कहेंगे, वी ऑल लिव टुगेदर इन ए फैमिली, हम लोग सभी एक साथ रहेंगे उसे ही परिवार कहेंगे। तो फैमिली आर मैनी टाइप्स। अब हम देखेंगे कि कितने प्रकार के परिवार हैं। तो देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ फैमिली। तो देख लेंगे कि वो कौन कौन सा है। सबसे पहले है अ स्मॉल और न्यूक्लियर फैमिली। तो स्मॉल में छोटा और उसे ही कहेंगे सामान्यतः फैमिली। तो स्मॉल और न्यूक्लियर फैमिली, इसे हम हैप्पी फैमिली भी कहते हैं आज के डेट में। तो स्मॉल और न्यूक्लियर फैमिली, लार्ज फैमिली एंड ज्वाइंट फैमिली। तो सबसे पहले है स्मॉल और न्यूक्लियर फैमिली, दूसरा है लार्ज फैमिली और तीसरा है ज्वाइंट फैमिली। तो लार्ज मीन्स बड़ा होता है, ज्वाइंट मीन्स संयुक्त। तो लार्ज मीन्स बड़ा है, ज्वाइंट मीन्स उससे भी बड़ा है। तो हम देखेंगे कि पेरेंट्स एंड सिबलिंग। तो न्यूक्लियर फैमिली हम किसे कहेंगे, इस फैमिली के अंतर्गत सिबलिंग्स मीन्स होता है भाई बहन, पेरेंट्स मीन्स होता है माता पिता। तो इसमें जो है माता पिता और बच्चे, एक या दो बच्चे, तो ये हमारा स्मॉल फैमिली। तो आज के युग में स्मॉल फैमिली ही है जो हैप्पी फैमिली माना गया है। उसके बाद आगे चलते हैं लार्ज फैमिली के बारे में, इसमें जो आ जाते हैं सदस्य। तो इसमें हम देखेंगे कि पेरेंट्स हैं, ग्रैंड पेरेंट्स हैं और सिबलिंग्स हैं। तो इसमें माता पिता और दादा दादी और भाई बहन, ये सब जो हैं, ये जितने परिवार एक साथ रहते हैं इन्हें हम लार्ज फैमिली कहेंगे। अब आगे जो है ज्वाइंट फैमिली, जिसे कि संयुक्त परिवार भी कहा जाता है। तो इसके अंतर्गत आते हैं माई फैमिली। मोटा मोटी के तौर पे बोलने के लिए तो हम बोलेंगे ग्रैंड पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स, ब्रदर सिस्टर, अंकल आंट, कजिन्स, और ये सब जो है ग्रैंड ज्वाइंट फैमिली में आते हैं ये सब मेंबर। तो सीधे से तौर पे हम लोग कहेंगे कि माई फैमिली प्लस अंकल का फैमिली। तो मेरा परिवार और चाचा जो चाचा जी हैं उनका परिवार और दादा दादी, सभी जितने भी उनके बच्चे एंड देयर चिल्ड्रेन, तो एंड उनके बच्चे भी, सिबलिंग हम लोग भाई बहन भी, तो एंड देयर चिल्ड्रेन तो उनके बच्चे भी और हम लोग के भाई बहन भी, तो इन्हें क्या कहेंगे, इन्हें कजिन्स कहा जाता है। क्या कहते हैं, अंकल और आंट के बच्चे को कजिन्स कहते हैं। तो मेरा परिवार और चाचा चाची हैं उनका परिवार, उनका बच्चा, चाचा चाची और दादा दादी, ये सारे दोनों का परिवार जब एक छत के नीचे रहते हैं तो उन्हें हम कहेंगे, क्या कहेंगे, ज्वाइंट फैमिली। अब हम देखेंगे कि ज्वाइंट फैमिली में कितना जो है हम लोग को हेल्प मिलता है। तो ग्रैंड पेरेंट्स लुक
आफ्टर द चिल्ड्रन जहाँ दादा दादी हैं तो वो क्या करते हैं, उनका कार्य है वो अपने उनके जो हैं पोता पोती वो जो है वो बच्चे को देखते हैं। ओल्ड पीपल गेट प्रॉपर केयर इन ज्वाइंट फैमिली, तो इसमें जो है ओल्डर पीपल जो है तो जो भी हैं व्यस्त वो क्या करते हैं अपना संयुक्त परिवार को सभी को एक दूसरे का ध्यान देते हैं, जिसे एवरी वन गिव्स ईच अदर कंपनी एंड अदर देयर फॉर इट इज फन लिविंग इन ए ज्वाइंट फैमिली। इसमें हम क्या देखते हैं कि ज़्यादातर ये मिलता है ज्वाइंट फैमिली कहाँ मिलता है, अदर कंपनी एंड देयर इट इज फन लिविंग ऑन ए, बहुत ही खुशी के साथ सभी आनंद मनाते हैं एक साथ परिवार रहने का आनंद, और माता पिता भी अपने बच्चे को देखते हैं, पिता भी अपने बच्चे को देखते हैं और बच्चे भी माता पिता का हेल्प करते हैं और संयुक्त परिवार में बहुत ही आनंद आता है। तो अब जो है शेयरिंग इन फैमिली, तो हम देखेंगे कि परिवार में कैसे अपना अपना कार्य को शेयर करते हैं, जैसे कि माता है तो घर में खाना बनाती है और कोई माँ ड्यूटी भी जाती है, पिताजी ऑफिस जाते हैं तो फिर बच्चे भी उनका कार्य करते हैं हेल्प कुछ घर में या रसोई घर में तो बच्चे हेल्प करते हैं, दादा दादी का हेल्प करते हैं, दादा दादी भी होमवर्क बनाने में, माता पिता भी उनको सारे एक दूसरे का सभी हेल्प करते हैं और अपना अपना से अपना अपना कार्य सब रखते हैं कि मेरा काम ये है मेरा काम ये है, उसके बाद एक दूसरे को हेल्प भी करते हैं जिसे हम शेयरिंग इन फैमिली कहेंगे। हाउ डू यू हेल्प योर पेरेंट्स, तो जब हम देखेंगे कि चर्चा किए कि माता पिता कैसे हम लोगों के लिए ऑफिस जाते हैं, खाना बनाते हैं, सारा चीज़ लाते हैं, हम भी उनका कैसे हेल्प करते हैं, तो कुछ जो है आप अपना भी वाक लिखेंगे कि हम क्या हेल्प करते हैं, मम्मी को जो है किचन में कैसे हेल्प करते हैं, पिताजी को कैसे हेल्प करते हैं, तो इस तरह से सिबलिंग मीन्स भाई बहन, अंकल मीन्स चाचा, आंट मीन्स चाची, कजिन्स मीन्स चचेरा मेरा, रिलेटिव मीन्स रिश्ते नाते, तो हम लोगों ने देखा कि कैसे हेल्प किए हैं। उसके बाद जो है तो जैसे कि माई फादर हेल्प्स, क्या करते हैं माई मदर इन कुकिंग, तो मेरे जो पिताजी हैं वो माता को खाना बनाने में हेल्प करते हैं, तो माई मदर गोज टू वर्क, और मेरी माँ भी काम पे जाती है, तो माई ग्रैंड पेरेंट्स टेल अ स्टोरी, तो जो दादा दादी हैं वो क्या करते हैं कहानी भी सुनाते हैं, और इस तरह जब होता है आई लव माई फैमिली, मैं अपने परिवार से बहुत ही प्रेम करता हूँ, आई हेल्प एवरीबडी, और मैं प्रत्येक सदस्य का हेल्प करता हूँ, आई लव माई फैमिली टू, तो जो है मैं अपने परिवार से बहुत ही प्यार करता हूँ, आई हेल्प एवरी टीडरो, और वो भी हमें करते हैं। तो आप भी बताइएगा कि कैसे हम लोग को है कि एक दूसरे का हेल्प करना चाहिए। इस तरह से सिनॉप्सिस में हम लोगों ने पढ़ा फैमिली, टाइप्स ऑफ फैमिली, फिर रिलेटिव में कौन कौन आते हैं, तो रिलेटिव में मिस रिश्ते नाते होते हैं, तो जैसे हम लोग अपना परिवार है, फिर अंकल का परिवार आए तो वो रिलेटिव में कहला गए, और इसी को परिवार में हम लोग जब बांटे हैं पेरेंट्स एंड सिबलिंग, तो स्मॉल और न्यूक्लियर फैमिली, लार्ज फैमिली और ज्वाइंट फैमिली, फिर ग्रैंड पेरेंट्स लुक आफ्टर द चिल्ड्रेन, कैसे दादा दादी अपने बच्चे को देखते हैं, फिर आज के डेट में ज्वाइंट फैमिली बहुत कम मिलता है, फिर भी मिलता है तो देखेंगे कि बहुत ही आनंददायक, ज़्यादातर कंपनी में बहुत ही आनंद के साथ लोग संयुक्त परिवार में रहते हैं, और परिवार एक दूसरे का कैसे हेल्प करते हैं, तो आप भी हाउ डू यू हेल्प योर पेरेंट्स, तो लेसन टू चैप्टर जो है आप कंप्लीट फेयर को